देखो दूसरे निशान पे तो देखेंगे, लेकिन क्या अगर हमसे निशान लिया जाता है वो प्लान बी तो ज़रूर होगा, हम कंसिडर करेंगे, लेकिन आगे क्या होता है। सबसे पहले वैसे हमारी सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है कि वो सुप्रीम कोर्ट इस पर जो भी हम करेंगे तो एक्शन कर ले। देखिए अदलिया में जल्दी होना चाहिए था। एक बात ये बताऊँ आपको, जब लास्ट टाइम पेशावर हाई कोर्ट में भी हेयरिंग हुई थी, पेशावर हाई कोर्ट ने भी ये कहा था कि ये डीबी सुन सकती है, सिंगल जज नहीं सुन सकता, सिंगल जज आपको सिर्फ स्टे दे सकता है। और ये पूछा गया था कि फर्स्ट अवेलेबल डीबी में ये केस रखे ताकि फैसला हो। उस वक्त भी हम चाह रहे थे कि एक हम दो को उस दिन फैसला हो जाते क्या कि जो भी है एक तरफ हो जाए ये मसला एंड वी प्रोसीड फर्दर। उस वक्त भी ये रखा था, भाई ये एक्सट्रीम बायस ऑफ द इलेक्शन कमीशन शो कर रहा है इलेक्शन कमीशन के इम्प्लीमेंट किए बगैर आप जाते हैं कोर्ट में और सिर्फ एक पार्टी के ख़िलाफ़ आप जाते हैं, बाकी पार्टियों के ख़िलाफ़ नहीं जाते। पीएमएलएन ने आपसे रिकॉर्ड पे 21 दिन का टाइम मांगा, आपने 60 दिन टाइम दिए थे इलेक्शन करने के लिए, आपने 7 महीने हमारे ऑर्डर को रोके रखा था। ये भी अवाम की अदालत में आपको जवाब देना होगा। बैरिस्टर साहब बकौल आपके एक सिंगल पार्टी को बिल्कुल अलहदा किया जा रहा है, आप पोलिटिकल पार्टी हैं, आपके इत्तेहादी किधर के? इस मुल्क में बहुत सारी सियासी जमातें हैं, उनके साथ डायलॉग कोई ऐसी ऑप्शन मौजूद है कि आप भी सिस्टम में दाखिल हों और बेहतरीन? देखिए डायलॉग हर वक्त होना चाहिए, डायलॉग पॉलिटिकल पार्टीज़ करती रहती हैं, अगर डायलॉग की तरफ जाता है ज़रूर होने चाहिए। हमने तो कभी नहीं कहा कि हम डायलॉग नहीं चाहते, लेकिन किस ग्राउंड पर हमने डायलॉग करना है? इलेक्शन के लिए, इलेक्शन की फ्रीडम के लिए, इलेक्शन के एक दिन पे होने के लिए, इलेक्शन सबके पार्टिसिपेशन के लिए, लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए? हम तो अनकंटेस्ट इलेक्शन करना नहीं चाहते। हम तो कह रहे हैं हमारे कैंडिडेट होंगे, अगर नहीं भी तो अंडर 19 लड़ाएंगे, बराबर से लड़ाएंगे, जगह आपको खाली नहीं छोड़ेंगे। ये वो अंडर 19 से भी घबराए हुए हैं और इंशाल्लाह इनकी शिकस्त होगी 8 तारीख को, देखते जाइएगा। सब खलाई मखलूक से मुलाकातों की बातें चल रही हैं, क्या आपसे भी कुछ लोग मुलाकात हुई आपके साथ? सर मेरी किसी के साथ मुलाकात नहीं हुई। मैं आपको अपने ज़ाती अगर बताऊँ तो न मुझे कोई फ़ोन आया, न कोई थ्रेट आया, न कोई धमकी आई है, न मेरे कोई किसी को फ़ोन किया, न मेरे के साथ किसी मुलाकात हुई है। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीडिंग इन डेमोक्रेसी लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड।